हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब वक्त है दो और गुणी सिंगर्स को स्टेज पे आमंत्रित करने का। मैं बात कर रहा हूँ शंकर सर के दो होनहार सुपुत्रों की। हाँ। जो बड़े कमाल के सिंगर है। जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ महादेवन एंड शिवम महादेवन। एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। आपको तो इतने सालों सुनते आ रहे हैं कि दोनों कितने सुरीले हैं, ऐसा इतना मीठा गाते ना, ऐसा लग रहा है शंकर मिष्ठान भंडार की दो ब्रांचेस और खुल गई। कितना ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिले। सर ब्रेथलेस हो जाए एक बार तीनों, अगर मजा आ जाएगा। ओके पाजी, हमने ये कभी नहीं किया है पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों मिलकर ब्रेथलेस साथ में करेंगे। आप लोग जो मिला ना मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की दुनिया, रंगों की बरखा है, खुशबू की आधी है, बहके उसी अब सारी फिजाएं, बहके उसी अब सारी हवाएं, खोई उसी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफा, होठों पे रंग में, आंखों पे सपने, सपनों में भिजे हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आए तो नजरों पे छाए, तो दिल में समाए, तो कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा मुझे पाया, तो प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक होश में धुला हुआ फूल, जैसे बादल में एक चांद छुपाए और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों पे सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे जो जैसे मोती पर से, जैसे कहीं चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और जल से टूटे, जैसे कोई चुपके सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हॉल से पास बुलाए, कैसे मेरी बात थी वो, कैसे मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से, कैसे पिघल गए दिल और आंसू आ रही है जैसे मंजिल, कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग गिरे तो बस यही पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे मिलना तो कुछ मिले, उन्हें ऐसे गिरना तो जन्म के बंधन, जन्म के रिश्ते हैं, जब हम जन्मे तो हम यूं मिलते हैं, कानों में मेरे दिल शहर से गुले लगे खाब के, दिल से आंखों में गुले लगे खाब के, दुनिया में कितनी हंसी और कैसे रंगे थे खाब के, दुनिया जो कहने को थी और कहीं भी नहीं थी, खाब जो रुले मेरे आंख जो खुली, मेरी होश जो आए, मुझे मैंने देखा मैंने जाना, मुझे कभी आया नजरों पे छाया था दिल में समाया, जा भी चुका और दिल में अब तनहा तनहा, ना तो कोई अरमान ना कोई तमन्ना और ना कोई सपना, अब जो मेरे दिन में रोज मेरी रातें, उनमें सब आंसू उनमें सब दर्द की रंज की बातें और पर यादें, मेरा वो कोई नहीं, मैं और खोए हुए प्यार की यादें, मैं और खोए हुए प्यार की यादें, मैं और खोए हुए प्यार की यादें। क्या बात, क्या बात, थैंक यू, क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया सर, छोटा शंकर महादेवन आ गया। साइज वाइज तो डेफिनेटली गाने में नो चांस। भी अगर आप मूछ लगा लेना तो आप जाके कॉन्सर्ट कर सकते हैं, बोलना कि मैं टीवी पे थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, वैसे मैं इतना ही। अच्छा शंकर महादेवन साहब, शिवम महादेवन और सिद्धार्थ महादेवन, एस अगर आपके घर पे कुछ चेक आ जाए जिसपे लिखा हो एस डॉट महादेवन, कौन सा महादेवन कैश कराता फिर उसको? एक और है, हाँ। संगीता महादेवन।
अब क्लियर है कौन कैसे बाती होगी। अब तो क्लियर ही हो गया। इनके मम्मी का भी नाम सीता है, तो अनदर है सिंधु। मैं मदर्स सीता है, सीता। क्या बात है। तो बाकी जो अल्प होते हैं अक्षर, उनसे कोई एलर्जी वगैरह, मतलब ऐसे सब ऐसे ही हैं। पर सर आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, मेरे ख्याल से बेल्जियम में देखा था सर जब हम लोग दिवाली शो पे गए थे, एक इतने छोटे छोटे से थे, एकदम से इतने बड़े हो गए। वाओ, पर क्या कमाल का गाया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाश्वत जो बैठे ना प्यार से देख रहे हैं आपको, ये जॉन्डिस कलर का चश्मा लगाया, येलो कलर जॉन्डिस, ये सिंगर तो है, ये म्यूजिशियन भी है, ये लिरिसिस्ट भी है, ये प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है, और म्यूजिक वीडियो में खुद ही आ भी जाते हैं, सात काम ये एक साथ कर लेते हैं। नहीं, एक और काम है मैं ऐड करना चाहूंगी, जो बिग बैंग थ्योरी में गाना निकिता और शाश्वत ने गाया है, उसमें शाश्वत ने रैप किया है, पर उसमें अब आप आठवां काम ऐड कर दीजिए, रैप भी करते हैं। आठ काम आप करते हैं, का नाम अभी आठवत बना देते हैं। शाश्वत से वेरी आठवत, शाश्वत का आठवत, ये वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं। नहीं, उसने तो कपिल जी ने सात पे रुके थे ना कि शाश्वत। क्या बात है, बड़ा आठ है शाश्वत। ये जो आप आठ काम कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले सात जन्म से बेरोजगार थे जो इस जन्म में गुस्सा निकाल रहे हैं आप, सारे काम कर रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट बेरोजगार काफ़ी टाइम तक रहते हैं, मैं इस जन्म में भी था। नहीं, लेकिन अभी आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम गेटिंग टू वर्क और अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, डिजर्व इट ऑल, ब्रिलियंट। शंकर सर, आम घरों में होता है ना, बच्चा एग्जाम के दिनों में गाना वाना गाए तो माँ बाप डांट देते हैं कि रखो उधर, गाना वाना कुछ नहीं है, किताब उठाओ। आप भी नॉर्मल पिता की तरह ऐसा करते हैं या आप उल्टा करते हैं कि रखो इधर किताब, गिटार उठाओ, गाना ही काम आएगा? मतलब आपसे पूछो, पापा डांटते हैं आपको अगर पढ़ाई में? आप डांटते तो नहीं है, पढ़ाई में वैसे हम अच्छे थे, बट नहीं, मैं अच्छा नहीं था, ये खुद की बात कर। मैं लास्ट मिनट वाला था, बट डांटते तो नहीं है, और डांटने का काम मम्मी ने किया था बचपन में। हमारे घर पे एकदम मॉम एंड डैड हमारे हमेशा एक फ्रेंड्स की तरह एक रिलेशनशिप था। ऑब्वियसली थोड़ा तो डर लगता था जब भी हम मस्ती करते थे। अच्छा, किस उम्र में जाके आपको एहसास हुआ था कि आपके जो पिता हैं द ग्रेट शंकर महादेवन है? द ग्रेट शंकर महादेवन, ऐसे तो हम बचपन में डैड के फ्रेंड्स वगैरह सब घर पे आते थे, जैमिंग होता था। जब ही ब्रेथलेस एल्बम आया था, जो भी म्यूजिक चैनल्स होते थे उस समय पे, जब ही इनका वीडियो आता था, तो हम मतलब पूरे बिल्डिंग में जिधर रहते थे पूरी फैमिली जमा होती थी, और यू नो कि कोई पहचान का टीवी पे आ रहा है, तो दैट वाज अ वेरी बिग ओकेजन। और मैं छोटा था तो मैं भी जाता था मॉम एंड डैड के साथ शोज पे। तीन साढ़े तीन साल का था। अच्छा, तो उसने माउथ पर्कशन किया है। शरारती कौन था शंकर सर? ये ज्यादा शरारती, छोटे वाला, छोटा वो था नहीं है पाजी, वो है। छोटे वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। मेरा भी छोटा वाला सडनली कोई मेहमान आए, कॉफी पी रहा होगा, उसके आके टीवी का रिमोट डाल देगा कप में। स्पेशली बॉयज की तो हरकतें अलग होती है। सुकृति का गाना आजकल एक बड़ा चल रहा है, पठान फिल्म का, झूमे जो पठान, बड़ा ही हिट। थैंक यू। प्रकृति और आकृति ने इतने गाने गाए, आपका जब कोई गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है तब भी आप ककड़ी रहते हैं कि अकड़ आ जाती है उससे? क्योंकि हम जुड़वा हैं, आई थिंक हम दोनों में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि यू नो, अगर सुकृति ने कुछ गाया, फिर मैंने कुछ गाया, जब कोई मिलता है एंड कंग्रेचुलेट करता है, हम दोनों थैंक यू बोलते हैं। सो क्योंकि उनके लिए कम स्ट्रेस, हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक डबल द सॉन्ग। अब बोलो सुकृति कौन है, प्रकृति कौन है? दोनों में से एक तो है। तो आपके पास बचपन में कोई शायरियों की किताब थी या कोई लिरिसिस्ट था जिसने नाम लिखे आकृति, सुकृति, प्रकृति? एक और बच्चा हो जाता तो क्या नाम रखते? संस्कृति। एक और रहता फिर था ना, हद करती। निकिता जो है ना, निकिता बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, ये सिंगर तो अच्छी है ही, ये डेंटिस्ट भी है, साथ में इन्होंने डांस की भी ट्रेनिंग ली है। निकिता, एक बात बताओ, जब आप जैसे गाना गाने गई, आपका दिल किया डांस करने का, जैसे अभी आप कर रही थी, आपके दिमाग में आता पैसे तो गाने के मिले, रोक लो स्टेप, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी, क्योंकि डांस के तो पैसे हुए नहीं कभी? आता दिमाग में ऐसे आड़े टेढ़े सवाल नहीं आते? डांस मेरा फर्स्ट प्यार था एक्चुअली। अच्छा, मैंने ओडिसी सीखा था बचपन से, तब मैं गाना गाते गाते डांस करती थी, दोनों ही प्यारा लगता था, तो बाय वन गेट वन फ्री, सेम सुकुपुकु, बाय वन गेट वन फ्री। आकृति, एक बात है, जैसे अपने नॉर्थ में होता है ना लेडी संगीत होता है, हम लोग बहुत सारी महिलाओं को इनवाइट भेजते हैं, आपकी दिल्ली में या कहीं किसी के घर में लेडी संगीत हो तो वो आप ही को इनवाइट कर ले अगर सारी फैमिली को, और किसी महिला को बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं उनको
आपके घर में जब कभी लेडी संगीत आपकी शादी के लिए हुआ था, हाँ जी, आपने बाहर से कैंडिडेट बुलाए थे कि नहीं नहीं आपको लग रहा था कि हमारी बारी 5 बजे आ रही है? शाश्वत साहब ये हमारे सामने जो मौजूद है, इतने कमाल के सिंगर है, इनका समय भी बड़ा मजेदार जा रहा है। फैब में इनका गाना है मेरे सवाल का तो ही जवाब है, फिल्म शहजादा से बड़ा हिट हुआ गाना। उसके बाद मार्च में इनका गाना है शो मी द ठुमका, और आज तो मतलब शरेआम ही कपिल शर्मा शो में आ गए, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। शाश्वत एक गाना हो जाए फिर। विच वन डू यू वांट? लपेटे तुमन की डोरिया, चोरिया कर दिलों में इसके तुसी ना जोरिया, ओ हो रब्बा ने तुझको बनाने दे कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। गाइए। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शाश्वत, सच ए वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कितना खूबसूरत गाया शाश्वत। ये जो आपने हेयर स्टाइल बनाया, इसको कितना टाइम जाता है? इसको कॉर्न रो बोलते हैं। कॉर्न रो? कॉर्न रोज़ कौन बोलते हैं? ये लोग ने सबने बताया मुझे कि कॉर्न रो बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, इसका आइडिया एक बार आप हेयर स्टाइल करते हैं फिर 7-8 मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। जो भी करता है। नहीं नहीं, आज ये पहली बार किया है मैंने। अच्छा जी, क्योंकि शूट के लिए कल रात को आए थे यहाँ पर। करे कल रात से मैं इधर ही हूँ बाहर वैनिटी में। पूछ रहे थे मुझे कौन से रो में बिठाओगे, कौन से, बोले कौन रो कौन रो, बोले बाल का स्टाइल बन गया। आप तो सोफे में बैठोगे यार, इतना यही है रो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।